किसी भी मानव सभ्यता से बहुत दूर अमेजोनिया के घने जंगल में, जहां जंगल बहुत घने हैं और पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, वहां एक शानदार और रंगीन निवासी पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर कई दशकों से खुशी से रहता है। मकोस दुनिया में तोते की सबसे बड़ी प्रजाति है। बड़ी चोंच, रंगीन पंख और लंबी रंगीन पूंछ इस पक्षी को दुनिया का सबसे आकर्षक पक्षी बनाती है। पूरे मकौ परिवार में कुल 19 सदस्य होते हैं और उन सभी के अलग अलग आकार और रंग होते हैं। वे अमेज़न रेनफॉरेस्ट और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों के गहरे जंगलों में रहते हैं। यहाँ आप मकौस की सभी प्रजातियाँ देख सकते हैं। यहाँ विलुप्त और गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों सहित सभी प्रकार के मकौस की सूची दी गई है। मकाव परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हाइसिंथ मकौ लगभग 100 सेंटीमीटर लंबा होता है और सबसे छोटा सदस्य हांस मकौ लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अवैध तस्करी और तेजी से वनों की कटाई के कारण मकौस की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के करीब हैं या जंगल से पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। स्पिक्स मकौ उन प्रजातियों में से एक है जो जंगल से पहले ही विलुप्त हो चुकी है। लंबे समय से वैज्ञानिकों ने इन पक्षियों को जंगल में नहीं देखा है, लेकिन आजकल कुछ उत्साही एविकल्चरिस्ट और पक्षी संरक्षणवादी इन दुर्लभ पक्षियों को बड़े एवीरी में सफलतापूर्वक ब्रीडिंग करा रहे हैं और इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचा रहे हैं। अन्य मकौस जैसे ग्लॉकस मकौ और ब्लू थ्रोटेड मकौ गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में हैं। उन्हें अवैध तस्करी और वनों की कटाई से हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। जंगल में मकौस द्वारा खाए जाने वाले कुछ भोजन में जहरीले पदार्थ होते हैं, इसलिए मकौव और कुछ तोते नदी के किनारे की मिट्टी खाते हैं जो जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। 5 से 6 साल में वे प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। मकौस बहुत लंबे समय के लिए एक साथ जोड़ी बनाते हैं। कभी कभी वे अपने पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। मकौस में नर और मादा पक्षियों के बीच विजिबल डिफरेंसेस की पहचान करना बहुत कठिन है, इसलिए आजकल हम पंखों के डीएनए टेस्ट का उपयोग करते हैं। डीएनए टेस्ट से हम आसानी से उनके लिंग की पहचान कर लेते हैं। वे ऊपरी वर्षावन में बड़े पेड़ों की खोखली कैविटीज में अपना प्रजनन घोंसला बनाती है। मादा पक्षी लगभग 1 से 3 अंडे देती है और वह इनक्यूबेशन का अधिकांश कार्य करती है, जबकि नर जंगल में भोजन ढूंढता है और उसे घोंसले में लाता है। 27 से 30 दिनों के भीतर अंडे से बच्चे निकलते हैं और अगले 2 महीनों तक चूजे पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। मकौस भोजन खोजने के लिए 1000 हेक्टेयर तक प्रवास करते हैं, लेकिन फिर भी अपने घोंसले के स्थान पर लौट आते हैं। वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि वे इतने बड़े क्षेत्र से कैसे नेविगेट करते हैं। सुंदर रंगों से लेकर आकर्षक व्यवहार तक मकौस अमेज़न वर्षावन की रानी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मदर नेचर को विनाश से बचाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए इस अद्भुत सुंदरता को बचाएं, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह इस धरती पर रहने का समान अधिकार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रकृति के साथ बने रहिए।